हेलो हेलो, रुको मैं भी हूँ भाई। अन्योंगास्यो। हाय हाय, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हम ये कहाँ आ गए हैं। सो इस बार हमने सोचा कि स्टूडियो की जो इंटरनल वाइब्स है उससे बाहर निकला जाए और थोड़ा नोएडा को एक्सप्लोर किया जाए और देखा जाए, यहाँ पे पूछा जाए लोगों से कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको के ड्रामा पसंद है, जो के पॉप को पसंद करते हैं, या फिर कोरियन एक्टर्स या कोरिया से रिलेटेड उनके कल्चर को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और आपके इतने कमेंट्स भी आए तो हमने सोचा कि क्यों ना अब हम अपने स्टूडियो से बाहर आए। तो चलिए आज करते हैं हम थोड़ी बहुत शॉपिंग और कुछ खाने के लिए भी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, चले फिर शूट करेंगे तो थोड़ा सा खाने के लिए तो जरूरत है ना, आप मानते हैं ना। तो चलिए गाइस, लेट्स गो। चले फिर, आप भी आइए हमारे साथ। चलो भाई चलो, और लोगों से भी मिलते हैं। चलिए चलिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग नोएडा में यहाँ पे कहीं बहुत अच्छी सी जगह है, GIP मॉल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हम घूम रहे हैं और अभी थोड़ी देर में हम खाना खाएंगे। लेकिन उससे पहले के ड्रामा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, तुमको पता है कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कोरिया में। बिल्कुल बिल्कुल, हाइब और डॉर की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जिनके CEO के झगड़े हो रहे हैं, बवाल मच गया है। बट क्या आपको पता है न्यू जीन्स और BTS के बीच की जो कंट्रोवर्सी है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सब उसके बारे में बात कर रहे हैं आजकल। दरअसल हुआ ये कि जब से, ये तो आपको पता ही है कि BTS अब पिछले 2 साल से चले गए हैं मिलिट्री, अपने मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ है कि उनके बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे जिनको उनसे छीन लिया गया है। वो किसको दे दिया गया है? न्यू जीन्स को दे दिया है ना। ऑफकोर्स, ये सारे ब्रांड्स, जो नया जो बैंड है न्यू जीन्स, उसको दे दिया गया है। बिल्कुल। और आप ये देखिए, बेचारे मिलिट्री में क्या गए, लोग भूलने ही लग गए हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि लोग इतनी जल्दी BTS को भूलेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, अगर आप BTS आर्मी को बिलोंग करते हैं तो ये लोग रेगुलर कुछ ना कुछ पोस्ट डाल रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि BTS अभी जिंदा है। क्यों? तो चलिए, आई थिंक लेट्स आस्क द पब्लिक। एक बड़ी ही फेमस कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इस बार कोरिया में शायद यही देखने को मिल रहा है। अब ये तो आपको पता ही है कि एक एक करके BTS के सारे मेंबर्स की मिलिट्री एनलिस्टमेंट की बारी आ गई है। ऐसे में अब ना BTS मेंबर्स बचे हैं ना ही बैंड, पर ये सब स्टार्स और इनका बैंड लाइमलाइट में बना रहता है। लेकिन हाल ही में एक खबर आई जिसमें पाया गया कि न्यू जीन्स ने BTS के कई विज्ञापनों पर कब्जा जमा लिया है। हमारा मतलब है, जो ब्रांड्स और जो एड्स अब तक BTS के पास थे, वो सभी चीजें अब न्यू जीन्स के पास या तो चली गई हैं या फिर धीरे धीरे जा रही हैं। जैसे कि जंगकुक की कोका कोला OST, ये एड अब न्यू जीन्स के पास चला गया है। द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स लोलापलूजा, मैकडोनल्ड्स पैकेज एंड CF, कोका कोला पैकेज एंड CF एंड OST, लॉटे गम जापानीज CF, शिनहान बैंक, बिलबोर्ड कवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो पहले BTS के पास थे और अब न्यू जीन्स के पास पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि सोल मेट्रोपॉलियन गवर्नमेंट एम्बेसडर का खिताब भी अब न्यू जीन्स के पास आ गया है। इसी बात को लेकर नेटिजन्स ने काफी आपत्ति भी जताई। उनका मानना है कि न्यू जीन्स अभी 1-2 साल पुराना ग्रुप है, ऐसे में इस ग्रुप पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। और जहां तक BTS की बात है, तो उन्होंने अपने नाम के दम पर इन ब्रांड्स को ऊपर उठाया है, इसलिए इन सब पर पहला हक BTS का ही है। हाँ, हम इससे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। The contracts with iPhone and luxury brands as ambassador might have been opportunities achieved by New Jeans with their popularity and abilities. लेकिन fans भी मानते हैं कि BTS की agency hype के बिना New Jeans के लिए ये सब हासिल करना बहुत कठिन होता। और ये BTS की खुद की ही brand value है, जिसकी वजह से hype जैसी agency को इतनी value मिली। इसके लिए BTS को replace करने का idea बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमारा मतलब है, जो ब्रांड्स और जो एड्स अब तक BTS के पास थे, वो सभी चीजें अब न्यू जीन्स के पास या तो चली गई हैं या फिर धीरे धीरे जा रही हैं। जैसे कि जंगकुक की कोका कोला OST, ये एड अब न्यू जीन्स के पास चला गया है। द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स लोलापलूजा, मैकडोनल्ड्स पैकेज एंड CF, कोका कोला पैकेज एंड CF एंड OST, लॉटे गम जापानीज CF भी आ जाएंगे, बल्कि इनमें से कुछ की ट्रेनिंग तो आधी खत्म ही हो गई है। ऐसे में क्या BTS से सब कुछ छीन लेना उनके साथ जस्टिस होगा? नहीं ना। आप सोचेंगे कि हाइप का न्यू जीन्स से क्या लेना देना?
दरअसल न्यू जीन्स की एजेंसी है अडोर एंड अडोर इज वन ऑफ हाइब्स लेबल्स, इसलिए हाइब खुलेआम न्यू जीन्स को भी सपोर्ट कर रहा है। बट व्हाई एट द कॉस्ट ऑफ बीटीएस? हम यहाँ पर आए हैं इस जीआईपी मॉल में और हमारे साथ कुछ लड़के हैं जो कुछ के ड्रामा के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो के ड्रामा के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनसे जानते हैं कि क्या वो क्या ऐसी चीजें जो उनको के ड्रामा में पसंद है। चलिए अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम दिव्यम है। तो कोरियन ड्रामा में तो लड़कियाँ बहुत अच्छी होती है, एक तो बहुत सुंदर होती है, काफी अच्छी, मतलब की स्टोरी लाइन काफी अच्छी होती है, बाकी ये ज्यादा देखता है, इसको ज्यादा आइडिया है। आप बताइए आपको क्या पसंद है के ड्रामा में? मेरे को जैसे विंसेंजो हो गया, द किंग्स लैंड हो गया, अच्छी सीरीज है, नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। मतलब आप तो काफी कुछ जानते हैं के ड्रामा के बारे में, आपको कहानी कैसी लगती है इनकी? कहानी अच्छी होती है, लव स्टोरीज बेस्ड होती है, मजा आता है देखने का और अच्छा वीकेंड पास हो जाता है। और किसी के-पॉप स्टार को जानते हैं आप? नहीं ऐसा अच्छा तो नहीं जानता। बीटीएस का नाम सुना है? हां बीटीएस का नाम सुना, बट नॉट बिग फैन, लड़के ही ज्यादा फैन है। ब्लैक पिंक का नाम सुना है? नहीं, हमने सिद्धू मूसेवाले का सुना बस। लड़के हैं आपके घर में भी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स होंगी या फिर कुछ बहनें होंगी जो के ड्रामा की शौकीन होंगी, तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या लड़कियां जो कोरियन लड़कों को जो पसंद कर रही हैं क्या वो ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं है, हम इंडियन कम सो रही है किसी से। हम इंडियंस कम थोड़ी हैं, लेकिन फिर भी लड़कियां आजकल कोरियंस की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो रही हैं। जस्ट लुक एट हिम, मनी हैंडसम है। एज सच कोई रीजन नहीं है लड़कियों के इंटरेक्ट करने का कोरियंस के प्रति, बट वी आर इंडियंस आर आल्सो स्मार्ट। मेरे को तो यही है कि वही इंडियन भी स्मार्ट है, इवन बाहर का सामान ज्यादा देर नहीं चलता। बाहर का सामान ज्यादा देर नहीं चलता। जैसे वो हमारा डायलॉग था सब देशी, पहले इंडिया का अपना फिर बाद में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हम लोग देखते हैं कि वो जो लड़के हैं वो कोरियन स्टाइल ड्रेस करते हैं, आपका क्या कहना है? अगर वो कोरियन स्टाइल ड्रेस करते हैं तो वो तो फिर लड़के नहीं हुए पहले तो। नहीं। इतना मजाक भी ठीक नहीं है, हमारी जो के ड्रामा फैंस है वो बहुत ही नाराज हो जाएगी आपसे। चलो फिर पहले तो उनके लिए सॉरी, बट ठीक है, बट हमें इंडियन ही पसंद है। इंडियन लड़कियां की लड़के लड़कियां लड़कियां मेरे को सारी पसंद है। किसी 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 एक का नाम जानते हैं कोरियन में? नहीं सॉरी, कोरियन सिर्फ बस देखने में अच्छी लगती हैं। मैंने तो कोरियन नहीं, इंडियंस आर गुड, इंडियन गर्ल्स आर आल्सो गुड, सो आई एम इंटरेस्टेड इन मोर इन इंडियन गर्ल्स। थैंक यू सो मच। तो ये थे कुछ बॉयज जो कोरियन ड्रामा के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानते, पर जितना भी जानते हैं मुझे लगता नहीं है कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड, और ये इस बात से खासा नाराज है कि लड़कियां क्यों कोरियन लड़कियों के पीछे इतनी पागल रहती हैं। एग्जैक्टली, बट वाई एट द कॉस्ट ऑफ BTS मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर ये लोग वापस आएंगे तो क्या न्यू जीन्स से कॉन्ट्रैक्ट लेकर BTS को दे देंगे? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि BTS इतना बड़ा नाम है और अगर न्यू जीन्स को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो इट्स ओके, बट ऐसा नहीं है कि BTS को कॉन्ट्रैक्ट वापस मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ और नए इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे जिनको BTS इंडोर्स करेगा, और मे बी हो सकता है कि इनकी जो कंपनी है हाइप उनके पास कुछ और बड़ा प्लान हो। क्यों होना चाहिए यार, कम ऑन, इट्स BTS, ऐसे कैसे भूल सकते हो आप? बिल्कुल फैंस, BTS के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वैसे प्रियंशा, मुझे वो जो तुमने अभी इससे पहले जो बात बताई थी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात, उसको लेके मुझे एक चीज याद आई है, एक खबर है कि तुम्हें याद है तुमने वो सीरीज देखी है इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके? अ वेरी गुड सीरीज गाइस, बहुत अच्छी है, जरूर देखना अगर नहीं देखी है। उसकी जो एक्ट्रेस है COYG वो अपना कमबैक कर रही है। ओह माय गॉड, मुझे कुछ पता है उसके बारे में। सो द एक्ट्रेस, वो द एक्ट्रेस बिकेम द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी, पता है आपको 2021 में, बिकॉज शी गैसलाइटेड अ बॉयफ्रेंड। ओह माय गॉड, ये कैसे देख लो गाइस, ये सब भी हो रहा है।
तो वो हमेशा से ही कंट्रोवर्सी में घिरे रहे हो। अभी इनफैक्ट बॉयफ्रेंड ही क्यों, मैंने सुना है कि उसने अपनी किसी कलीग को बुली भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपनी फेक एकेडमिक्स रिकॉर्ड्स को लेके भी काफी चर्चा में थी, उसने कुछ गलत ही कुछ बताया था कि अपने एकेडमिक्स के बारे में, इसलिए 2023 से पहले ही वो उसने वो गायब हो गई थी सीरीज से क्या आप इंडस्ट्री से कह सकते हैं, वो गायब हो गई थी और अब वो अपना कमबैक कर रही है, जानती हो कहाँ? यार देखो उसके कमबैक का तो मुझे नहीं पता, बट इंस्टाग्राम में ऐसी चीजें बहुत पता चल रही है, ऐसी खबरें उड़ रही है कि हो सकता है, पर कोई प्रॉपर तो नहीं है ना न्यूज उसके बारे में अभी? नहीं, न्यूज प्रॉपर है, बस ये है कि वो अभी किसी सीरीज में नहीं आ रही है। हाँ, उसने इंस्टाग्राम पे अपना कमबैक किया है। चलो खैर बहुत हो गई इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके की एक्ट्रेस की बात, हम चलते हैं करीना की तरफ। बताओ फिर उसके बारे में, वो आस्पा की करीना की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, वही जो भी कंट्रोवर्सी में थी अपने वो अफेयर को लेके, लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि वो किसी इवेंट में गई, वहाँ उसका एक फेवरेट स्टार मिल गया, उसके बाद उसने क्या किया पता है? देखे तुम्हें नहीं पता उसने क्या किया? मुझे तो पता है पर इनको तो दिखा देते हैं। चलिए ये देखिए। देखिए ये बात एकदम सच है कि कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, पर उसके सामने अगर उसका फेवरेट स्टार आ जाए तो वो भी थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा फैन बन जाता है। यही हुआ एएसपा के करीना के साथ। इन दिनों करीना टीवी पर क्वीन ऑफ टीयर्स देखने में लगी हुई हैं। हालत ये है कि फ्री टाइम मिलते ही वो फटाफट टीवी में घुस जाती हैं। सिंस दिस शो की कहानी इमोशनल और काफी लविंग है, करीना इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करती है। कई बार तो वो सीरीज देखते देखते रोने लगती है और सोफे पर ही सो जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा करीना ने खुद ही बताया। खैर अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि करीना का इस शो के साथ कितना लगाव है। ऐसे में एक इवेंट के दौरान करीना की मुलाकात इसी शो के एक एक्टर के साथ हो गई। फिर सोचिए क्या हुआ, क्या करीना दौड़कर उसके पास चली गई, या फिर उनका ऑटोग्राफ लिया, या फिर सेल्फी, या फिर सीधा डेट के लिए पूछ लिया होगा? नहीं नहीं, इनमें से करीना ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ शर्माते हुए हेलो बोला और वहां से खिसक गई। अब बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल करीना अटेंडेड द YSL ब्यूटी लव शाइन फैक्ट्री पॉपअप स्टोर एट सियोंग सुंग डोंग। शी वाज सरप्राइज्ड टू सी वन ऑफ द एक्टर्स फ्रॉम द के ड्रामा शी इज करंटली इमर्स्ड इन। द क्वीन ऑफ टीयर्स एक्टर हु अटेंडेड द इवेंट वाज नन अदर देन पार्क संग हून। ही पोर्ट्रेज यून यून संग इन क्वीन ऑफ टीयर्स। हालांकि शो में इनके कैरेक्टर को लोग हेट करते हैं, लेकिन फिर भी करीना इनको देखते ही स्टार स्ट्रक हो गई। पहले तो वो टकटकी लगाए उनको देखती रही, फिर धीरे से हेलो बोला और साइड हो गई। ये पूरा वाक्या करीना ने अपने एक लाइव ब्रॉडकास्ट में सुनाया था। है ना? शायद आई थिंक आप भी ऐसे ही करेंगे, अगर आपको कोई फेवरेट सेलिब्रिटी कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो शायद हम सब भी ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल सर। सुना है सीरीज इतनी बड़ी हिट हो गई कि वो नेटफ्लिक्स पे अब तक का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया और नंबर 2 की पोजीशन पे बहुत दिनों से अटकी हुई है। वाह। उसके बाद बताइए क्या हुआ? क्या हुआ? उसके बाद इसकी एक सक्सेस पार्टी होने वाली है। ओ माय गॉड, तो कहां जा रहे हैं ये लोग? थाईलैंड, वियतनाम या सिंगापुर? पर एक सेकंड, आई थिंक ये लोग ना वहीं जाते हैं जहां इनके कम्युनिटी वाले लोग हो, राइट? हाँ बिल्कुल। और इनकी जो सक्सेस पार्टी है उसके लिए इनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने सोचा कि इनको एक रिवॉर्ड ट्रिप दिया जाए, जिसमें कि ये लोग इनको कहीं आउटस्टेशन में नहीं बट आउट ऑफ कंट्री लेके जाते हैं, जो कि हमें नहीं मिलता। प्रियांशा, हम चाहे कितना भी कुछ कर ले हमें कुछ नहीं मिलता। सैड लाइफ गाइस, सैड लाइफ। इससे जुड़ी एक और खबर मुझे याद आई। मुझे भी। कौन सी? कि ये लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। दिस गाइस आर वेरी वेरी इंट्रोवर्ट। तो जैसे अपनी जिसो ब्लैकपिंक की, हाँ बहुत इंट्रोवर्ट है गाइस। इंट्रोवर्ट तो है, लेकिन अभी जो हुआ उसके बाद से मुझे नहीं लगता वो इंट्रोवर्ट है। तुम्हें क्या लगता है? क्या हुआ जिसके साथ वो मोमेंट हुआ? मर्लिन मोनरो मोमेंट। मर्लिन मोनरो मोमेंट देखा आप लोगों ने गाइस? नहीं देखा। आई डोंट थिंक सो। दिखाएं? बिल्कुल, ये देखिए। ब्लैक पिंक के जिसो को तो आप जानते ही होंगे, ये वो ही है जिनका फ्लावर सॉन्ग एंड डांस काफी वायरल हुआ था, लेकिन अब वायरल हो गया है इनका ऊप्स मोमेंट।
दरअसल हुआ ये कि जीसो शूट कर रही थी एक आलो नाम के एथलेटिक अपैरल ब्रांड के लिए, जिसका उन्होंने अपना ब्लॉग भी बनाना शुरू कर दिया। She showed off her perfect visuals and physiques as she modeled the athletic wear. अपने एक लुक में जीसो wore an outfit that consisted of a cropped baby blue top and a flowy white skirt. इसी बीच उन्होंने सोचा कि क्यों ना फैंस को इस व्लॉग के जरिए पूरा शूट दिखाया जाए। While modeling the look, she took the camera outside to show Blinks a gorgeous shot of Seoul. अभी वो poses दे ही रही थी कि तभी चला एक जोर की हवा का झोंका। फिर जो हुआ उससे लोगों ने बोला उप्स, हवा ने उनकी स्कर्ट को उड़ा दिया और लीजिए हो गया मैडरिन मनरो मोमेंट। वो तो अच्छा हुआ कि जीसू ने अपनी स्कर्ट के नीचे शॉर्ट्स पहनी हुई थी, इसलिए ज्यादा वार्डरोब मैलफंक्शन नहीं हुआ, वरना जीसू तो आज मैडरिन मनरो पार्ट टू बन जाती। हालांकि जीसू ने हवा का झोंका आते ही अपनी स्कर्ट को संभाल लिया और हादसा होते होते बच गया। वैसे प्रियांशा जो जिस्सो के साथ हुआ मुझे भाई वो किसी के साथ ना हो, आपके साथ बिल्कुल भी ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जींस और ये ट्राउजर्स पहन के आते हैं। देखो तो चलो आप आगे बढ़े थोड़ा, तो अब हम बात करते हैं पिछले हफ्ते जो हमने आपसे पूछी थी क्विज। हमने आपसे पूछा था कि बैग को कोरियन में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बैग को कोरियन में? हमने इनको तीन ऑप्शंस दिए थे। बैग को कोरियन लैंग्वेज में बोलते हैं गाभांग। तो इससे मुझे याद आया कि अब आज की क्विज भी पूछ ले। बिल्कुल, क्विज टाइम गाइस, माय फेवरेट पार्ट, क्विज टाइम, चलो पूछो। ओके गाइस, तो आई लव यू को कोरियन में क्या कहते हैं ये आपने हमको बताना है, और आपको ऑप्शन देंगी ये। सो गाइस मैं आपको तीन ऑप्शन दूंगी। एग्जैक्टली, पहला ऑप्शन है सारंगेओ, सारंगेओ। दूसरा ऑप्शन है जो आयो, और तीसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा ऑप्शन क्या था, मैं भूल गई। माचायो। देखो गाइस, ऐसे कभी कभी ना ऑप्शंस भूल जाते हैं, हम भी इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, आप हमें आंसर जरूर बताना। बिल्कुल, आप अपने कमेंट बॉक्स में, ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें आप हमें अपने आंसर्स बताइएगा। और अगर आप हमसे कहीं मिलना चाहते हैं या हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो आसुम GIP में है नोएडा के। नेक्स्ट हम कहाँ मिलेंगे? क्या मैं सोच रही हूँ दिल्ली हाट चले, तो नेक्स्ट हम प्रोबेबली दिल्ली हाट में आपसे मिलेंगे। So till then guys, bye bye. Annyeong, we love you. Tada. चलो जाओ भी अब यार, बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।